हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के। और बेटा आज का लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हमने बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर था सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में, उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि सर्कम सर्कल और इन सर्कल क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने बेटा देखा था एक्स सर्कल का जो भी हमारे पास नोट पॉइंट्स होते हैं एक्स सर्कल में और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि एक्स सर्कल्स तीन होते हैं, तीन हमारे पास एक्स सेंटर्स होते हैं, और उसमें जो R1, R2, R3 का बेटा फॉर्मूला होता है वो सब हमने डिराइव किया था और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज के लेक्चर में बेटा अगेन हम अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेकिन आज का लेक्चर शुरुआत करने के पहले, सबसे पहले बेटा जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो इमीडिएटली बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करिए ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। बिकॉज उस चैनल में बेटा मैं जो भी लेक्चर पोस्ट करता हूँ उसके सारे बेटा अपडेट मैं वहां पर डालता हूँ, और उसमें बेटा जो भी आपके मैं होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट शेयर करता हूँ वो भी उसमें जाता है। तो उस चैनल में अगर आप एक्टिव रहेंगे, है ना, अगर आप उस चैनल को इंस्टॉल करके रखेंगे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखेंगे, तो आपका उससे बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज उससे आपका कोई भी लेक्चर छूटेगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं इमीडिएटली बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो, देखो लाइक का बटन है नीचे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। आज के लेक्चर का पहला सवाल, बेटा अपने पास दिया हुआ है कि प्रूव दैट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये आपको याद रखना, ठीक है। अभी तक जितने भी रिजल्ट थे उसमें बेटा मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि आपको याद रखने की जरूरत है, बट दिस इज अ रिजल्ट जो आपको याद रहना चाहिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की वैल्यू 1/R के बराबर होती है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए बेटा इसका डेरिवेशन अपन देखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि R1 की वैल्यू होती है या तो S tan A/2, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, या आप R1 की वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा बाय S माइनस A, या आप बेटा R1 की वैल्यू लिख सकते हैं 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2, ठीक है ना। ये बेटा वो चीजें हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपके लिए डिराइव की थी। तो यहां से अगर मैं डेल्टा वाले फॉर्म में लिखूं तो मैं R1 को बोलता हूं डेल्टा बाय S माइनस A, तो 1/R1 विल बी S माइनस A बाय डेल्टा, 1/R2 will be S minus B by delta, 1/R3 will be S minus C by delta। ये चीज आ जाएगी मेरे पास, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यार जैसी ये चीज आएगी तो मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो कॉमन है नीचे तो डेल्टा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा S plus S plus S 3S और माइनस A plus B plus C, माइनस कॉमन ले लेंगे तो A plus B plus C। तो यार A plus B plus C तो 2S होता है, 3S minus 2S is S by delta, क्या आ रहा है मेरे पास S by delta। और बच्चों याद करो डेल्टा बाय एस की वैल्यू आर होती है, तो आंसर क्या आ गया 1/R आ गया, आंसर आ गया 1/R बेटा, जो अपने को लेके आना था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बच्चों, ये आपको एक पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट में ही बेटा अपने पास ये दिया हुआ है अगला, दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें तीनों ही x रेडियाई, इन रेडियस, सर्कम रेडियस सब कुछ आ रहा है ना। इस रिजल्ट में तीनों इन रेडियाई, सर्कम रेडियस, इन रेडियस सब कुछ आ रहा है ना। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए रिजल्ट। तो आपके पास है प्रूफ दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R। ये बेटा अपने पास दिया हुआ है। देखिए अगर मैं इसका बच्चों अप्रोच समझूं तो मैं R1 को क्या लिख सकता हूं, मैं R1 को बेटा लिख सकता हूं 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2, ये मैं लिख सकता हूं R1 को बहुत आसानी से। प्लस R2 को बेटा मैं लिख सकता हूं 4R sin B/2 cos A/2 cos C/2। उसके बाद बेटा R3 को हम लिख सकते हैं 4R sin C/2 cos A/2 cos B/2, और लास्ट बेटा माइनस R लिखा है तो R होगा 4R sin A/2 sin B/2 एंड sin C/2, यही आएगा मेरे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा अपने को 4R के बराबर लेके आनी है।
समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यार ये है ना, समझने वाली बच्चों बात ये है आपके पास कि यार अगर सब में मैं देखूं तो सब में से देखो 4R तो कॉमन निकलता है सारे ही टर्म्स में से, सारे ही टर्म्स में से बेटा देखो 4R तो कॉमन निकलता है, मतलब अंदर वाली जो पूरी चीज होगी वो 1 आनी चाहिए, कुल मिला के अंदर वाली जब जो पूरी चीज होगी वो 1 आनी चाहिए तभी मेरा ये आंसर आ पाएगा। देखते देखो अगर आप बेटा ये पहले वाले दोनों टर्म्स लोगे, पहले वाले दोनों टर्म्स, तो पहले वाले दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन मैं बोलूंगा cos cy2, देखो कॉमन है दोनों, cos cy2 देख लो बच्चों कॉमन है आपके पास दोनों में, तो यार आप तो ऐसा करो cos cy2 निकालो बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा sin a by 2 cos b by 2 प्लस cos a by 2 sin b by 2, ये आ जाएगा अपने पास शुरू के दो टर्म्स, तो है ना 4R तो सब में से बाहर निकाला, फिर ये शुरू के दो टर्म्स में से cos cy2 r निकाला बची हुई चीज अंदर, और प्लस ध्यान से बच्चों देखेंगे इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ है क्या कॉमन, तो यार मुझे दिखाई दे रहा है कि ये sin cy2 तो कॉमन है, तो आप प्लस sin cy2 बाहर निकालो और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बेटा मेरे पास cos a by 2 cos b by 2 माइनस sin a by 2 sin b by 2, यही चीज आएगी अपने पास, ठीक है यही चीज आएगी अपने पास। तो देखिए बेटा यहां पे ये ब्रैकेट हो गया क्लोज बड़ा वाला ब्रैकेट, तो 4R ब्रैकेट के अंदर cos cy2 फिलहाल वैसे ही, अंदर देखो sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b क्या होता है sin of a plus b, तो sin of a by 2 plus b by 2 मतलब a plus b by 2, ये आ गया पहला टर्म, और उसके बाद इसके बाद बेटा ये अपने पास लिखा हुआ है प्लस sin cy2 into प्लस sin cy2 into cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b क्या होता है बेटा cos of a plus b, तो आपके पास आ जाएगा cos of a by 2 plus b by 2, तो a plus b by 2, ये चीज आ गई यार अपने पास, ये चीज आ गई बेटा अपने पास, तो देख लो आप ध्यान से, और जैसी बेटा ये चीज आई, ये वाली बेटा चीज जैसी आई, अब आप याद करो आप किसकी बात कर रहे हो, ट्राइंगल में आप एक ट्राइंगल की हमेशा बात करें बेटा, तो ट्राइंगल के अंदर ये जो ए बी सी एंगल्स होते हैं इनका सम तो पाई होता है, ट्राइंगल के अंदर ये जो ए बी सी एंगल्स होते हैं इनका सम तो पाई होता है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी कैन ऑलवेज बी रिटन एज पाई माइनस सी, ठीक है ना, ये ए प्लस बी को बेटा आप हमेशा पाई माइनस सी लिख सकते हैं, यहां पर भी ये जो ए प्लस बी बच्चों लिखा हुआ है इस ए प्लस बी को आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसको भी पाई माइनस सी लिख सकते हैं, तो यार ये लिखा क्या है, ये मेरे पास लिखा हुआ है 4R, अंदर देखेंगे cos c by 2 और sin 90 minus c by 2, तो sin 90 minus c by 2 will be again cos c by 2, तो cos square c by 2, this will be cos square c by 2 plus, यहाँ पर देखो cos 90 minus c by 2, cos 90 minus c by 2 will be sin c by 2, तो sin into sin, मतलब sin square c by 2, तो यार cos square c by 2 plus sin square c by 2 तो 1 होता है, तो आ गई क्या वही चीज जो लेके आनी थी, देख लो जो बेटा चीज अपने को लेके आनी थी वो डिराइव हो चुका है, तो ये वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रिजल्ट है, ये एक ऐसा रिजल्ट है बेटा जो तीनों एक्स रेडियाई को इन रेडियस और सर्कम रेडियस के साथ जोड़ता है, ठीक है ये एक ऐसा रिजल्ट है, और ये बेटा एक ऐसा रिजल्ट है जो तीनों एक्स रेडियाई को इन रेडियस के टर्म्स में आप लिखते हो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 = 1/r, तो आप अगर बेटा खुद कोई फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस फॉर्मूला शीट में होना चाहिए, है ना, इट मस्ट बी इन योर फॉर्मूला शीट, आपको ये याद होना चाहिए, कहां यूज आए यू नेवर नो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अगला बच्चों क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ये आपको बच्चों ट्राइंगल का एक एरिया दिया हुआ है, एंड द मेजर ऑफ इट्स एक्स रेडियाई आर, And the measure of its x radii, and the measure of its x radii are 8, 12 and 24 centimeter. 8, 12 and 24 centimeter. ये आपको दिया हुआ है. Question है find the length of the sides. Find the length. एकदम आसान सा सवाल है बेटा. अगर आपको results याद हो, तो एकदम आसान सा सवाल है. Find the length. Of the sides, find the length of the sides of the triangle. Find the length of the sides of the triangle. आपको बच्चों ABC का वैल्यू बताना है, ठीक है आपको बच्चों ABC का वैल्यू बताना है, देखिए
आप क्या चीज जानते हैं बेटा, आपको देखो दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डेल्टा आपके पास है 96 और x रेडियाई का बेटा वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता है तीन तीन x सर्कल होते हैं, तीन x सेंटर होते हैं और तीन ही x रेडियाई भी होती है, मतलब ये r1 r2 r3 का आपको वैल्यू दिया है बेटा। तो अपन मान लेते हैं r1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, r1 8 सेंटीमीटर है, r2 अपने पास है बच्चों 12 सेंटीमीटर और r3 अपने पास है बच्चों यहां पे 24 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। r1 r2 और r3 लिखा हुआ है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको बच्चों एबीसी का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले देखिए R1 को आप डेल्टा के टर्म्स में कौन से रिलेशन से जानते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड डेल्टा। मैं बोलूंगा यार R1 तो डेल्टा बाय S माइनस A होता है, R1 क्या होता है डेल्टा बाय S माइनस A, मतलब कि मैं यहां से बोल सकता हूं 8 इज इक्वल टू 96 अपॉन S माइनस A। तो यार S माइनस A का वैल्यू कितना आएगा, S माइनस A का वैल्यू 12 आएगा क्या, 96 बाय 8, 8 10 से 80 और उसके बाद 16, बिल्कुल सही, 12 आएगा, 12 8 से 96 होता है। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस B, तो R2 कितना दिया 12 इज इक्वल टू डेल्टा इज 96 अपॉन S माइनस B। तो यार 12 के टेबल में 96 आता है क्या, याद करो तो बिल्कुल आता है, 12 के टेबल में 96 आपके पास कैसे आएगा, 8 आएगा, 12 इंटू 8 96 होता है, S माइनस B की वैल्यू बेटा आपके पास 8 आ गई, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद R3, तो R3 होता है बेटा डेल्टा अपॉन S माइनस C, R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C, R3 का वैल्यू है 24, तो 24 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन, डेल्टा कितना था बेटा, डेल्टा था आपके पास 96 अपॉन S माइनस C, तो 24 इंटू 4 96 होता है, तो S माइनस C का वैल्यू बेटा 4 आ गया, S माइनस C का वैल्यू 4 आ गया। इमेजिन करो बेटा अगर ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो, आप ऐड कर दो बेटा तीनों को, आप ऐड कर दो बेटा तीनों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप ऐड करो, तो देखो S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C कितना आ जाएगा, 3S माइनस A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू ऐड होते ही ये आ गई और यहां पर 12 और 8 20 और 4 24 आ गया, मतलब कि बेटा 3s माइनस 2s, s की वैल्यू कितनी आ गई 24, चेक कर लो, जैसे बेटा आप ऐड करोगे आपके पास s की वैल्यू आ गई 24, और जैसे ही बच्चों s की वैल्यू 24 आई, कट से देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, s का वैल्यू 24 आते ही b का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 16 और c का वैल्यू बेटा देखो ये अगर 24 आया तो ये आ जाएगा 20, मतलब कि a का वैल्यू आएगा बेटा 12 सेंटीमीटर, b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर और C का बेटा वैल्यू आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है बेटा प्रूव दैट R1 अपॉन BC प्लस R2 अपॉन AC प्लस R3 अपॉन AB इज इक्वल टू बच्चों मुझे दिया हुआ है 1/R माइनस 1/2R। ये बच्चों मेरे पास सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बेटा मेरे पास सवाल दिया हुआ है R1 by BC प्लस R2 by AC प्लस R3 by AB इज इक्वल टू 1/R माइनस 1/2R। आपको बच्चों ये चीज प्रूफ करनी, देखिए अप्रोच समझिए बेटा, बहुत सारे इसके अप्रोच हो सकते हैं लेकिन हम जो करना चाहते हैं आप उसको देखिए। R1 by BC को अगर बेटा मैं लिखूं, R1 by BC को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि देखो सिमेट्रिक वे में लिखा हुआ है तो किसी एक को अपन सिंप्लीफाई पहले करते हैं। R1 बेटा होता है 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2। R1 R2 और R3 के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल साइन में होता है, बाकी दोनों कॉस में होता है। 1 होगा तो A होगा, 2 होगा तो B होगा, 3 होगा तो C होगा, बहुत सिंपल सी बात है। B होता है 2R sin B, B होता है 2R sin B, तो sin B को आप लिख लो 2 sin B/2 cos B/2, लिख सकते हैं ऐसा 2 sin B/2 cos B/2। और C होता है बेटा 2R sin C, sin C को आप लिख सकते हो 2 sin C/2 cos C/2, 2 sin C/2 cos C/2, ये हम लिख सकते हैं। तो इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, मुझे यार दिखाई दे रहा है ये 4R और ये 2R और 2, ये तो गया। उसके बाद
अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो cos b by 2, cos b by 2 से क्या, cos c by 2, cos c by 2 से क्या, और sin a by 2 अपने पास ऊपर है और नीचे हमारे पास है sin b by 2, sin c by 2 और ये। एक बार देखो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है r1 by bc आपके पास बच्चों आ रहा है, न्यूमरेटर में आपके पास बचा है सिर्फ sin a by 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 into 2 4r, 4r और उसके बाद बचा हुआ है बेटा आपके पास sin b by 2 और sin c by 2, आपके पास बचा हुआ है sin b by 2 और sin c by 2, 4r और उसके साथ मेरे पास बचा हुआ है sin b by 2 sin c by 2, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं यार कि हम ऐसा करते हैं sin a by 2 से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, sin a by 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास ऊपर आ गया sin square a by 2 और नीचे देखो क्या आ गया बेटा, नीचे आ गया 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ध्यान से देखो 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, और बेटा 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 तो क्या होता है, स्मॉल r होता है, ये तो स्मॉल r होता है, मतलब कि बेटा r1 by bc, r1 था तो आपके पास आया sin square a by 2 by r, ठीक है। तो यार आपके पास ये जो पूरी चीज लिखी होगी वो क्या लिखी होगी, दिस विल बी sin square a by 2 अपॉन r प्लस r2 by ac, मतलब होगा sin square b by 2 अपॉन r प्लस r3 by ab होगा sin square c by 2 अपॉन r, यही आपके पास लिखा होगा, ठीक है, क्या देख लो बेटा यही चीज आपके पास लिखी होगी। अब मैं आपको बोलता हूं कि यार आपके पास यहां पर देखो sin square वाले टर्म्स है ना, आप इसको डबल एंगल में बेटा डबल एंगल में कन्वर्ट करो, तो 1 by r बाहर, अंदर क्या लिखा हुआ है sin square a by 2 को 1 minus cos a by 2 प्लस sin square b by 2 को 1 minus cos b by 2 sin square c by 2 को 1 minus cos c by 2, बहुत आसानी से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 को भी बेटा बाहर निकालो तो 1 by 2 r बाहर आ गया, अंदर क्या लिखा है 1 plus 1 plus 1 3 और minus आपके पास बेटा अब लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर cos a प्लस cos b प्लस cos c, मेरा इंटरेस्ट बेटा ये बनाने में था cos a प्लस cos b प्लस cos c, क्योंकि यार मुझे जैसे ही मैंने sin square देखा है ना यहां पर क्या आना था ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन sin square देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि यार डबल एंगल बनाओ और सिग्मा cos a तो मुझे पता है, सिग्मा cos a तो बेटा मुझे पता है, तो यहां पर आ गया 1 by 2 r और अंदर लिखा है 3 minus sigma cos a is 1 plus small r by capital r, ये लिखा हुआ है, तो इसको बेटा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1 by 2 r 3 minus 1 is 2 minus r by capital r, ये चीज लिखी है बेटा अपने पास। यार यहां से देखो जैसे ही आप बेटा 1 by 2 r को अंदर लेके जाओगे तो 2 से 2 गया आगे आपके पास 1 by r और उसके बाद r से r गया तो आ गया बेटा आपके पास minus 1 by 2 capital r, 1 by small r minus 1 by 2 capital r, सेम चीज आ गई बेटा, देख लीजिए, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, है ना, रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रोच समझो, अप्रोच समझते हुए चलो बच्चों, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट आए इमीडिएटली बेटा आप वीडियो 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, एल्स कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए। क्वेश्चन बेटा अपने पास दिया हुआ अगला, इफ 1 माइनस स्मॉल आर 1 बाय आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R1 by R3, 1 minus R1 by R2 multiplied by 1 minus R1 by R3 is equal to 2, ये आपको दिया हुआ, is equal to 2, then the triangle is dash, options बच्चों मैं आपको दे देता हूँ, first option is acute but not equilateral, acute but not equilateral, second option हमारे पास है obtuse, third हमारे पास है right angled और fourth option बेटा आपके पास दिया हुआ equilateral, ठीक है, ये बच्चों हमको चार options दिए हुए, ठीक है ना, सिंगल करेक्ट सवाल है, ये चार options दिए हुए, तो triangle क्या होगा अगर ये condition आपको दिए तो, देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एक बार सवाल दोबारा लिखिए, 1 माइनस आर वन बाय आर टू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर वन बाय आर थ्री, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 2, इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है 2, यार मुझे रिजल्ट क्या याद है, मुझे तो ये रिजल्ट याद है कि आर वन होता है डेल्टा बाय
एस माइनस ए, आर टू होता है डेल्टा बाय एस माइनस बी, क्लियरली दिख रहा है डेल्टा से डेल्टा कटेगा। अप्रोच करते हैं एक बार, देखो आप यहां से बेटा अगर अप्रोच करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस आर वन एस डेल्टा बाय एस माइनस ए डिवाइडेड बाय आर टू एस डेल्टा बाय एस माइनस बी, ये आ गया। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस आर वन एस डेल्टा बाय एस माइनस ए अपॉन, सॉरी पूरे के नीचे नहीं है ये, तो डेल्टा बाय एस माइनस ए अपॉन डेल्टा बाय आर थ्री इज एस माइनस सी, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 2। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है डेल्टा से डेल्टा तो कटेगा, तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा बेटा ये 1 माइनस, और अगर s माइनस बी ऊपर जाएगा तो s माइनस बी अपॉन s माइनस ए, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट आएगा 1 माइनस s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, इसकी वैल्यू मुझे 2 दी हुई है ना, 1 माइनस s माइनस बी बाय s माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, ये मुझे दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा अगर करके आप एलसीएम लोगे आपके पास आ जाएगा s माइनस ए और माइनस s माइनस बी अपॉन s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए माइनस s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 2। तो यार यहां से ये s और माइनस s तो कटता हुआ दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये देखो माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो दिस इज b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर बच्चों अगर आप देखोगे तो माइनस ऑफ माइनस मतलब कि c माइनस ए, और अगर ये नीचे वाले दोनों को मैं वहां ले जाऊं तो ट्वाइस ऑफ s माइनस ए का स्क्वायर, ये लिखा है क्या, देख लो आप, देख लो बेटा ध्यान से, सेम चीज आ गई अपने पास, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s माइनस ए का होल स्क्वायर। अपन ऐसा करते हैं, अपन बेटा ऐसा करते हैं दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करो, उससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। क्यों मैंने ये किया, क्यों मुझे ये ख्याल आना चाहिए, क्योंकि देखो s माइनस ए मेरे लिए लविंग प्रोफाइल नहीं है, s माइनस ए बेटा मेरे लिए लविंग प्रोफाइल नहीं है, मेरे लिए लविंग प्रोफाइल क्या है, मुझको ये चीज पता होनी चाहिए कि 2s का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी, तो 2s माइनस ए 2s माइनस 2a अगर मैं करूंगा ना, ध्यान से देखो अगर आप दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हो तो ट्वाइस ऑफ b माइनस ए इंटू सी माइनस ए विल बी इक्वल टू, यहां पर जैसे 2 आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको अंदर डाल दो तो दैट विल बी 2s माइनस 2a का होल स्क्वायर, चेक कर लो ध्यान से, बेसिकली दोनों में से आप 2 कॉमन निकलते तो 4 निकलता ना, तो अगर मैंने 2 यहां मल्टीप्लाई किया तो ये जो 4 था उसको मैं अंदर ले गया तो ये आ गया, तो s माइनस ए मेरे लिए लविंग प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a क्या होगा बेटा, यहां से देखो आप 2s माइनस 2a विल बी b प्लस c माइनस a, ये मेरे लिए लविंग प्रोफाइल, क्योंकि यहां पर भी b माइनस a c माइनस a और यहां पर भी मैंने b प्लस c माइनस a बना लिया, ये चीज पर मेरा ध्यान था, ये चीज पर मेरा ध्यान था बेटा, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको भी, बिल्कुल मत घबराइए प्रैक्टिस से आएगा, बस जो जो मैं सवाल आपको शेयर कर रहा हूं ये सब करवा रहा हूं उन्हें ईमानदारी से बनाइए आप। तो यार यहां से मेरे पास आ गया, इसको ओपन अप कर लेते हैं, इसको बेटा अपन ओपन अप कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहां पे आएगा आपके पास bc माइनस ac माइनस ab प्लस a स्क्वायर, ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा bc माइनस ac माइनस ab प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a इज b प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, b प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये मेरे पास लिखा हुआ है। तो यार यहां से अपने पास आ गया 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab और प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन अप करोगे तो बोलो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, यही आएगा अपने पास, ओपन अप करते ही एक्सपैंड बस कर दिया मैंने, क्या कैंसल हो रहा है 2bc से 2bc गया माइनस 2ac से माइनस 2ac गया माइनस 2ab से माइनस 2ab गया, ये सब तो कट गया। फिर यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से तो बेटा अगर इस ए स्क्वायर को आप यहां ले आओगे तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देख लो आप ध्यान से यही आ गया ना, बाकी तो सब कट गया, एक ए स्क्वायर यहां आ जाएगा तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कंडीशन किसका होता है, ये तो राइट ट्राइंगल का कंडीशन है, अगर ये राइट ट्राइंगल का कंडीशन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा है, लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड ए है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए 90 डिग्री होगा, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन अपने को बेटा दिया हुआ अगला, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी
इफ 3s स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर, इफ 3s स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर, देन एंगल ए इज डैश, देन एंगल ए इज डैश. ऑप्शंस बच्चों मुझे दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन मेरे पास है 120 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन मुझे दिया है 150 डिग्री. इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर देन एंगल a इज. अब मुझे बेटा ये सोचने की जरूरत है, मुझे ये सोचने की जरूरत है कि मैं क्या कंप्यूट करूं, मैं किसको किससे सब्स्टिट्यूट करूं, मुझको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि मुझे निकालना एंगल ए है, एंगल ए निकालना है बेटा. तो मैं आप कुछ भी नहीं रख सकते, समझिए इस बात को, आप बेटा यहां पर कुछ भी नहीं रख सकते, आपको सोच के रखना पड़ेगा. तो यार ये देखो एक बार, तो अपन पहले इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं. तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर दिया हुआ है. अब मैं एक रिजल्ट जानता हूं एंगल ए के टर्म्स में, मैं क्या जानता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि यार r1 जो होता है वो तो s tan a by 2 होता है, ये जो मैंने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, R1 जो होता है वो तो S tan A by 2 होता है. याद करो R होता था S minus A tan A by 2, S minus B tan B by 2, S minus C tan C by 2, सब बराबर थे. लेकिन R1 होता था S tan A by 2, R2 होता था S tan B by 2, R3 होता था S tan C by 2. तो यार अगर मुझे A एंगल निकालना है तो मैं R1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दू, S tan A by 2. तो therefore 3S square will be equal to R1 की जगह S square tan square A by 2 ये आ जाएगा मेरे पास. एस स्क्वायर से एस स्क्वायर गया तो बेटा यहां से tan a by 2 का बोलो क्या वैल्यू आ जाएगा, tan a by 2 का वैल्यू मेरे पास रूट 3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली. tan a by 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 3. और अगर बच्चों मेरे पास आ गया है tan a by 2 का वैल्यू रूट 3, तो एंगल a by 2 जो होगा वो 100% क्या होगा, 60 डिग्री. 100% एंगल a by 2 विल बी 60 डिग्री. और अगर मेरे पास एंगल a by 2 आ गया 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली बेटा एंगल a will be 120 degree. Angle A का value क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 120 degree. बिल्कुल सही. अब A case में आपके पास ख्याल और आ सकता था कि सर tan A by 2 को -1 -√3 ले लो, -√3 ले सकते हैं क्या, मैं बोलूंगा चेक कर लेते क्या दिक्कत है, क्योंकि tan square A by 2 3 है तो tan A by 2 का value या तो √3 होगा या तो -√3 होगा, चेक कर लेते. अब जरा सोच के बताओ -√3 कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो याद करो पाई माइनस 60 या 180 माइनस 60, टैन ऑफ 180 माइनस 60 क्या होता था, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, मतलब कि पाई माइनस 60 मतलब 120 डिग्री. तो आप इसको क्या बोलोगे, टैन ऑफ ए बाय 2. आप ऐसे लिख लो, डायरेक्टली लिख लो ए बाय 2 यहां से क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा. तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 240 डिग्री. भला क्या ट्राइंगल के अंदर का कोई एंगल 240 डिग्री हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि टैन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टैन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. टैन ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा. तो यहां से आप लिखेंगे टैन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, दिस विल बी माइनस टैन पाई बाय 3, और यही तो आएगा माइनस रूट थ्री, यही तो आएगा बेटा माइनस रूट थ्री. तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्या है, 2π/3 है. 2π/3 मतलब क्या होता है, 120 डिग्री. 120 डिग्री बच्चों अगर आएगा a by 2, तो a 240 पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है. तो अपने पास अब लॉजिकली बेटा अपन चलेंगे हर जगह. क्वेश्चन लिखा है बेटा अपने पास, नेक्स्ट अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेंगे, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है. क्वेश्चन में लिखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू लैम्डा. इफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा. फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा कि लैम्डा कहां से कहां तक मूव करेगा. फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, ऑप्शंस बेटा मैं आपको दे देता हूं. फर्स्ट ऑप्शन इज 0 से 4, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 0 से 2, थर्ड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 2 से 4, और चौथा ऑप्शन है 0 से 1.
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए बी, अगर ये लैम्डा है। देखिए बेटा आपको क्या चीज पता है, आपको ये चीज पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो क्या होती है, 2s होती है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर होता है, विच इज 2s। तो आपको जो दिया हुआ है वो दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, ये तो दिया है आपके पास। ए प्लस बी प्लस सी तो क्या होता है 2s, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s, और उसके बगल में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी, तो यार ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, इस ए प्लस बी को क्या मैं 2s माइनस सी बोल सकता हूं क्या, इस ए प्लस बी को, ये जो इतना सा बेटा ए प्लस बी लिखा हुआ है, इतने से ए प्लस बी को क्या मैं 2s माइनस सी बोल सकता हूं, और माइनस सी और, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2c अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है लैम्डा, यही दिया हुआ है। तो यार यहां से अगर बेटा मैं 2 को बाहर निकाल लूं दोनों से, तो आपके पास आएगा 4s s माइनस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू लैम्डा, ये लिखा है मेरे पास। और यहां को इसको देख के बेटा, इसको देख के फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये तो cos स्क्वायर c बाय 2 लिखा है, ये क्या लिखा है, s इंटू s माइनस सी बाय ए बी। याद करो cos c बाय 2 क्या होता है, cos c बाय 2 होता है रूट ओवर, cos c बाय 2 होता है रूट ओवर s इंटू s माइनस सी बाय ए बी। तो s इंटू s माइनस सी बाय ए बी क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर c बाय 2। तो यार आपके पास लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा आ गया cos स्क्वायर c बाय 2 इंटू 4। तो cos स्क्वायर c बाय 2 जो होता है वो अपने आप में मूव करता है 0 से 1, cos स्क्वायर c बाय 2 अपने आप में मूव करता है 0 से 1। देखो c बाय 2 आपके पास लिखा है ना, c बाय 2, आप इस बात को समझ के बेटा चलो, अगर आप cos का ग्राफ देखोगे तो cos का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा एंगल ले सकते हैं मैं आपको ये बताऊं, आप इस बात को समझिए कि अगर ये आपके पास बेटा ग्राफ है ना, आप c बाय 2 को फॉर द टाइम बिंग, आप फॉर द टाइम बिंग बेटा c बाय 2 को मान लो थीटा, ठीक है ना, c बाय 2 को आप फॉर द टाइम बिंग मान लो थीटा, लेट c बाय 2 बी थीटा। तो यार एंगल c कहां से कहां हो सकता था, आप मुझे बताइए, अगर एक ट्राइंगल के अंदर की आप बात कर रहे हैं तो एंगल c 0 से 180 के बीच में होगा, ना 0 होगा ना 180 होगा, लेकिन 0 से 180 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो एंगल c जो होगा इट विल बी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ये बात तो श्योर है। अब अगर ये वाली यार बात श्योर है, देखो एंगल सी बहुत बड़ा हो सकता है, 179.99 भी हो सकता है, लेकिन बराबर 180 नहीं हो सकता। और अगर एंगल सी बहुत बड़ा होगा तो एंगल ए और बी एकदम ही छोटे से होंगे, एकदम ही छोटे से, ठीक है। तो यार अगर एंगल सी यहां से यहां जा रहा है तो एंगल सी बाय 2 कहां से कहां जाएगा, एंगल सी बाय 2 जाएगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, एंगल सी बाय 2 जाएगा 0 से 90 डिग्री तक। जरा मुझे बताओ यहां पर ये 0 है और ये 90 डिग्री, ये 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 है। तो यार 0 से 1 के बीच में ये सारी वैल्यूज ले रहा है ना, ये जब आपके पास बेटा ये सी बाय 2 वाला एंगल, ये थीटा आपके पास है, ये थीटा, ठीक है, दिस इज योर थीटा, थीटा इज सी बाय 2, तो थीटा जो है बेटा वो 0 से 90 डिग्री सारी वैल्यूज ले रहा है। तो अगर 0 से 90 डिग्री सारी वैल्यूज ले रहा है तो उसमें cos कहां से कहां मूव कर रहा है, cos मूव कर रहा है आपके पास 0 से 1, तो cos स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां मूव करेगी, 0 से 1, तो लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां मूव करेगी, 0 से 4। cos स्क्वायर c बाय 2 0 से 1 है, उसके साथ 4 मल्टीप्लाइड है, तो 4 इंटू 0 से 1 अगर आप चलोगे तो कहां से कहां आएगा, 0 से 4 आएगा ना आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल है, बच्चों से एक बार में बनता नहीं है बेटा, स्टार लगा लेना इसमें आप, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, थोड़ा अलग वैरायटी का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास दिया हुआ है, अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, स्टार आप लगा लेंगे। क्वेश्चन लिखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन, विथ यूजुअल नोटेशन, यूजुअल नोटेशन मतलब जो चीज आप हमेशा मानते हैं वही है ना, कुछ भी अलग नहीं है, यूजुअल नोटेशन। इफ आर बाय आर वन, इफ आर बाय आर वन इन रेडियस बाय पहला वाला एक्स रेडियस, आर बाय आर वन इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेंगे, एक स्टार और लगा देता हूं, इट इज अ गुड क्वेश्चन। देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमको बेटा बतानी है tan a by 2 मल्टीप्लाइड बाय tan b by 2 प्लस tan c by 2,
tan a by 2 multiplied by tan b by 2 plus tan c by 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास सवाल है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन इज 2 by 3, सेकेंड ऑप्शन इज 1 by 2, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 1, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 1 by 3। ये बेटा अपने पास चार ऑप्शंस देखो दिए हुए। बहुत तसल्ली से इस सवाल को बेटा सुनिएगा, छोटा है सॉल्यूशन, बहुत छोटा है लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हाफ एंगल में। मैं आपको हमेशा बोला हूं, जो इक्वेशन दिया होता है उस इक्वेशन को आप कन्वर्ट क्या देखकर करेंगे, जब इसमें आप कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, आर की वैल्यू, आर वन की वैल्यू, तो आप क्या देखकर सब्स्टिट्यूट करोगे। आपको बच्चों इसमें यह चीज देखनी है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है एंगल ए बी सी, और वो भी उसका हाफ हाफ एंगल पूछा जा रहा है। तो कायदा यह बोलता है कि मुझे आर और आर वन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, जबरदस्ती उसमें डेल्टा और एस और एबीसी और ये सब मत डालना। जो पूछा जा रहा है उसके टर्म्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। तो यार देखो, यहां से हम अगर बोले कि हमको दिया हुआ है आर बाय आर वन, इसका वैल्यू हाफ है, आर बाय आर वन का वैल्यू हाफ है, ये मुझको दिया हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा आर क्या होता है, आर होता है 4R साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, यही होता है आर। तो 4R साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, ये चीज आती है आपके पास आर। और उसके बाद आर वन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 4R साइन ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2, ठीक है ना। ये फायदा होता है बेटा, जो जब जो चीज पूछी जा रही है आप उसको देख के डालो, जबरदस्ती कुछ भी मत डालो। इसकी वैल्यू दी हुई है हाफ, तो बच्चों 4R से 4R गया, साइन ए बाय 2 से साइन ए बाय 2 के, आपके पास निकल के आया देखो साइन बी बाय 2 अपॉन कॉस बी बाय 2 साइन सी बाय 2 अपॉन कॉस सी बाय 2, तो मेरे पास आ गया टैन बी बाय 2 इंटू टैन सी बाय 2, इसकी वैल्यू हाफ आ गई। टैन बी बाय 2 इंटू टैन सी बाय 2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, हाफ आ गया। अब यहां पर बेटा अक्सर बच्चे आके अटक जाते हैं, यहां पर बेटा अक्सर बच्चे आके अटक जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि आपको जो मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर आपने कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मुझसे नहीं पढ़ा है, मेरा आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है कंपाउंड एंगल्स का तो जाकर देखो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बेटा मैंने सिखाया है एक ट्राइंगल के बारे में। आपको ये बात बेटा पता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन सिग्मा टैन ए बाय 2, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी चीज यूज की थी, सिग्मा टैन ए बाय 2 टैन बी बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। लास्ट लेक्चर में बेटा जब मैं आपको सिग्मा आर वन आर टू निकलवाया था, जिसकी वैल्यू बेटा एस स्क्वायर के बराबर आई थी, सिग्मा आर वन आर टू बराबर एस स्क्वायर आया था लास्ट लेक्चर में, वहां पर बेटा यही चीज का मैंने इस्तेमाल किया था, याद करिए आप, ठीक है। सिग्मा आर वन आर टू हमने निकाला था ना, तो उसमें आपने इसका इस्तेमाल किया था। तो सिग्मा टैन ए बाय 2 टैन बी बाय 2 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि टैन ए बाय 2 टैन बी बाय 2 प्लस टैन ए बाय 2 टैन सी बाय 2 प्लस टैन बी बाय 2 टैन सी बाय 2, इस पूरे की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, इस पूरे की बेटा वैल्यू आपको 1 दी हुई है। और आपने देखो क्या निकाला, आपने टैन बी बाय 2 टैन सी बाय 2 की वैल्यू हाफ निकाली, आपने तो बोल दिया कि ये पूरी चीज तो क्या है, हाफ है। तो जरा सोच के देखो, यही तो बचा हुआ चीज पूछा जा रहा है, ये जो चीज पूछी जा रही है वो क्या है, tan a by 2 tan b by 2 जो ये लिखा है, tan a by 2 tan c by 2 जो ये लिखा है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस हाफ दैट विल बी हाफ, देख लो 1 माइनस हाफ दैट विल बी हाफ, इसका आंसर हाफ आएगा बेटा। बहुत ही शानदार सवाल है, क्लासिक सवाल है बेटा, बच्चों से ये फंस जाता है यहाँ पे आके, उनको ये याद ही नहीं आता। जेई एडवांस की जेई मेंस की बेटा एग्जाम जो जेई है उसकी ब्यूटी यही तो है कि वो अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट को जोड़ता है एक साथ, तभी तो बच्चे को तकलीफ आती है। आपको बेटा अगर कोई सब्जेक्ट में कमांड चाहिए तो फिर आपको वो पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके मौजूद सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए, तब आप जेई का पेपर बेटा लिटरली फोड़ के आ सकते हो, अदरवाइज तो खत्म है तुम्हारा पेपर। अगर तुम ये बोलोगे ना कि मेरे को चार चैप्टर आते हैं तीन चैप्टर नहीं आते, तो सवाल नहीं लगा बेटा, क्योंकि प्योर सवाल बहुत कम आता है, जनरली मिक्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो तीन चैप्टर के कंसेप्ट लगते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन अपने पास दिया बेटा नेक्स्ट, अगेन बहुत ही शानदार सवाल, इसमें मैं 3 स्टार लगाऊंगा, बहुत ही बढ़िया सवाल।
इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इन एनी ट्राइंगल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको बेटा मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बाय आर. इन एनी ट्राइंगल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बाय आर. ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं. ऑप्शन बेटा हमारे पास है 3, 6, 9 और 12. ये बेटा अपने पास चार ऑप्शन है. बहुत ही शानदार सवाल है बेटा, बहुत ही शानदार सवाल. समझने वाली बेटा देखो जो बात है इसमें, समझने वाली बात, ये जो प्रोफाइल है ना बेटा, बच्चों को इससे डर लगता है. ये जो चीज लिखी है बच्चों को इससे बहुत डर लगता है. लेकिन आप याद करिए बेटा, जब मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया था, मैंने बेटा जब आपको, यहां पे मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंने बेटा जब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया था, तब उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इनइक्वालिटीज. और इनइक्वालिटीज के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का बात आए, तो मन में एक ख्याल आना चाहिए कि ए एम जो होता है वो जी एम से बड़ा होता है, और जी एम जो होता है वो एच एम से बड़ा होता है. और इक्वालिटी आती है जब नंबर्स इक्वल होते हैं. तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ये एक बार के लिए थॉट आना चाहिए. हो सकता है सवाल इससे निकले, हो सकता है किसी और से निकले, लेकिन माइंड में ख्याल जरूर आना चाहिए. मैं आपको यार ये बोलता हूं कि अगर बेटा मैं ले लूं कि यार ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, मान लो अगर मैं ले लूं ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, जी एम नहीं लेते अपन, अगर ए एम और एच एम की बात करें, ए एम और एच एम की बात, तो मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं कि फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, आपको एक बात तो पता ही है कि ए एम जी एम एच एम किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई होता है. नेगेटिव नंबर्स पे आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं, आप इसको अप्लाई केवल पॉजिटिव नंबर्स पे करते हैं. तो फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, और नंबर्स बेटा मैं कौन से ले रहा हूं, आर वन आर टू एंड आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री, फॉर द पॉजिटिव नंबर्स आर वन आर टू आर थ्री, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम का क्या मतलब होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बाय थ्री विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एच एम क्या होगा इन तीनों नंबर का, इन तीनों नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा बेटा, याद करो दो नंबर का हार्मोनिक मीन आप कैसे निकालते थे, और अब आपके पास है तीन नंबर. याद करो देखो, अगर आपके पास दो नंबर होते थे बेटा हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, तो मैं आपको बता दूं हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, मान लो अगर आपको ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालना होता था, तो आप लिखते थे 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बाय 2, और यहां से आपके पास आता था ए प्लस बी बाय 2ab, और यह आता था 1 बाय हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन की आपके पास वैल्यू आती थी 2ab बाय ए प्लस बी, यही होता था इसका फॉर्मूला. याद करो दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन जब निकालना होता था, तो हार्मोनिक मीन को आप रेसिप्रोकल लिखते थे अरिथमेटिक मीन के लिए, और 1 बाय ए आ गया ए का रेसिप्रोकल, 1 बाय बी आ गया बी का रेसिप्रोकल, और इनका आप ए एम निकालते थे. बेसिकली ये आपने जो निकाला है अरिथमेटिक मीन निकाला इस फॉर्मेट से, और उसके बाद फिर आपने रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक मीन अपना निकाल दिया. तो अगर बेटा सेम लॉजिक से मैं आगे बढ़ू, ये आना चाहिए, नहीं आता होगा तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बेटा आप प्लेलिस्ट चेक करो, ये चीज आपको आना चाहिए. हार्मोनिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ाया है, ठीक है. और इन सब में जो भी बच्चों में आपको प्रीवियस चैप्टर्स के कंसेप्ट बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट है किन्हीं भी चैप्टर्स में, मुझको कमेंट्स में आप बताओ बेटा, आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा. तो तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन विल बी 3 अपॉन 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, ठीक है. तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, ये चीज आपके पास बेटा आ जाएगी, ठीक है ना. जैसे हार्मोनिक मीन जो आपके पास, अगर आप दो नंबर्स का बोलोगे तो दैट विल बी 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी. बेसिकली उस समय मैंने 1 बाय हार्मोनिक मीन लिखा था, इसलिए मैंने 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बाय 2 बोला था. अगर मैं सिर्फ हार्मोनिक मीन, अगर बेटा मैं सिर्फ हार्मोनिक मीन बोलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, एक ही बात. तो हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स विल बी 3 अपॉन 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री. अब इतना लिखने के बाद आज ही के लेक्चर में, थोड़ी सी देर पहले, पहले वाले सवाल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यार ये मुझको याद रखना है,
ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रोफाइल मुझको याद रखनी है कि 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 की वैल्यू 1 by R होती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो जरा सोच के देखो, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर R1 plus R2 plus R3 by 3 is greater than equal to 3 upon, नीचे ये जो पूरी चीज लिखी है यार, ये तो 1 by R लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास आ गया R1 plus R2 plus R3 by 3 is greater than equal to, यार घूम के ऊपर आ जाएगा तो 3R, और बेटा क्योंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप इधर उधर कर सकते हो, तो फाइनली आप लिख सकते हो R1 plus R2 plus R3 upon R, यार नीचे आ जाएगा, is greater than equal to 3 into 3, 9। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी 9। बहुत ही शानदार सवाल, गजब का सवाल, मतलब मुझे बेटा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई बच्चा इस सवाल को क्रैक आप में से कर पाए। तो अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है, वीडियो पॉज करके यार एक बार कमेंट में मुझे बताओ कि इस सवाल का लेवल आपको कैसे लगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। चलिए अब अपना बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो बेटा अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों अपने को लेंथ निकालना है एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ क्या होता है। अगेन रिजल्ट से मेरा काम है बेटा, बाकी चीजों मेरे को कोई काम नहीं है बाकी चीजों से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ अगर निकालना है बेटा तो अप्रोच समझिए आप, बेटा अप्रोच समझिए। जैसे अगर मान लीजिए ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, और यहां से मैंने एक लाइन बना दी, और इसको बेटा थोड़ा सा और ठीक करके वन बना लेते हैं ताकि एंगल बाइसेक्टर ही वो दिखे। इस तरीके से आपने एक लाइन बना दी, ठीक है। आपने बेटा ये बोल दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, दिस एंगल इज एंगल ए बाय टू, दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल ए बाय टू, और ये जाके मिलता है सामने वाले साइड को, लेट अस से पॉइंट डी पे। एंगल बाइसेक्टर है ना, मैंने आपको यहां पर लिख दिया कि एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, AD is the angle bisector of angle A, और ये है बेटा length A, ये है आपके पास length A, LA मतलब length of angle bisector of angle A, LA। तो मेरा interest है LA निकालने में, मेरा interest किस में है, LA निकालने में। मैं आपको ये बोलूँगा कि यार ये वाला side B है, ये वाला side C है, ठीक है, ये बेटा अपने पास दिया हुआ है, और ये अपने को दिया हुआ है LA। आपको बेटा क्या चीज पता है ना, आपको बेटा क्या चीज पता है, प्रूफ देखिए आप या डेरिवेशन देखिए, चलिए डेरिवेशन देखते हैं इसका। आपको बेटा ये चीज पता है, वी नो दैट, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इस छोटे से ट्राइंगल में एबीडी में जब आप ये वाला छोटा सा ट्राइंगल एसीडी जोड़ोगे, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे एबीडी में, आप एसीडी को जोड़ोगे, तो मैं बोलता हूं क्या मेरे पास ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी बनेगा क्या। सोच के देखो, अगर मैं एबीडी में एसीडी जोड़ दूं तो बड़ा वाला ट्राइंगल मिल जाएगा एबीसी मिल जाएगा मेरे को। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया तो होता है हाफ बीसी साइन है, मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय दो साइड और उनके बीच वाले एंगल का साइन, यही होता है। तो यार इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एबीडी के एरिया को बहुत ध्यान से देखना, हाफ सी इंटू एल ए, ये वाला साइड, ये साइड और इनके बीच वाले एंगल का साइन, साइन ए बाय टू। तसल्ली से देख लो बेटा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाफ इंटू ये साइड और इनके बीच वाले एंगल का साइन, ये लिख दिया मैंने, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, एसीडी का एरिया बोलो क्या होगा, ये वाला हाफ इंटू बी इंटू एल ए इंटू अगेन साइन ए बाय टू, बीच वाले एंगल का साइन, और इज इक्वल टू पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ बी सी साइन है, ये तो मेरे को पता ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया भी हाफ बी सी साइन है। तो यहां से हासिल क्या हुआ बेटा, यहां से हासिल क्या हुआ, मैं आपको बोलता हूं, एल ए देखो दोनों में कॉमन है, एल ए बाहर निकल, 1 by 2 दोनों में कॉमन है, 1 by 2 बाहर निकालो, sin a by 2 दोनों में कॉमन है, sin a by 2 बाहर निकालो। अनकॉमन क्या है, ये c अनकॉमन है, b अनकॉमन है, आप c plus b लिख लो यहां पे, इज इक्वल टू हाफ
बीसी और साइन ए को अगेन अगर बेटा मैं ब्रेक करके लिख दूं तो मैं लिखूंगा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। साइन ए को अगर बेटा मैं ब्रेक करके लिख दूं हाफ एंगल में तो मैं लिखूंगा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो यार यहां से मेरे पास आ क्या गया, ये हाफ और ये हाफ तो कटा, ये साइन ए बाय 2 और ये साइन ए बाय 2 भी कट गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल आया, क्या फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स ए या ऑफ एंगल ए विल बी क्या जाएगा बोलो, 2bc, 2bc अपॉन ये नीचे यहां आएगा तो बी प्लस सी, 2bc अपॉन बी प्लस सी, इधर के तो सारे टर्म्स हो गए, ये कट गया, ये उधर चला गया, यहां पे एलएमएस बचा, यहां पे 2 और bc हो गया, बी प्लस सी नीचे आ गया, कॉस ए बाय 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाय 2, ठीक है ना। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स ए विल बी 2bc बाय बी प्लस सी कॉस ए बाय 2, क्लियर। वैसे ही बेटा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी से बेटा जो आएगा वो क्या होगा, वर्टेक्स बी से आने वाला 2ac बाय ए प्लस सी कॉस बी बाय 2, देख लो ध्यान से 2ac बाय ए प्लस सी कॉस बी बाय 2। वैसे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स सी विल बी 2ab बाय ए प्लस बी कॉस सी बाय 2, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसको लिख के रख लो अपनी अपने पास एक जगह, है ना, रोज सुबह बेटा ऐसे घुमा घुमा के देखा करो, खुद याद हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं। क्योंकि देखो आप डिराइव भी कर सकते हो पेपर में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर याद रह जाए तो यार 8-10 सेकंड बचे गई। देखो अगर आपको अप्रोच याद होगा तो यार ये डिराइव करने में ना तुमको मुश्किल से 15 सेकंड लगे, उसके ऊपर नहीं लगेगा अगर ये अप्रोच याद है तो, अगर अप्रोच याद नहीं होगा तब तो नहीं बनेगा। ये आप पेपर में सोच नहीं सकते बेटा, है ना, ये आप पेपर में सोच नहीं सकते। अगर आपको अप्रोच याद है तो आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं विद इन 15 सेकंड्स, और अगर आप अपना वो 15 सेकंड भी बचाना चाहते हैं तो एक आध जगह फॉर्मूला शीट में इसको लिख के रख लो, रट्टा मार लो, हो जाएगा बेटा, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अदरवाइज डेरिवेशन बच्चों मैंने आपको बताई दी है। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना बेटा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन देखते हैं लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। अगला बेटा अपने पास है कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। अब बेटा हमको मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करना है, अब हमको मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करना है, हमने एंगल बाइसेक्टर का कर लिया, कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है, मीडियन का भी बेटा कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि ए से आपने एक लाइन बनाई जो सामने वाले साइड बीसी को पॉइंट डी पर जाके मीट करती है, ठीक है, और ये इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ए के सामने वाला साइड पूरा स्मॉल ए होता है, तो दिस विल बी ए बाय 2 एंड दिस विल बी ए बाय 2, ठीक है। और अगेन ये बेटा आपका मीडियन है, ठीक है ना, आप बोल रहे हो एडी इज योर मीडियन, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, इट इज मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, आपने एडी को क्या बनाया है, आपने एडी को बनाया है मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, ये आपका वर्टेक्स ए से आने वाला मीडियन हो गया, और ये आपके पास ए बाय 2 है, ये आपके पास ए बाय 2 है, ये बी के सामने वाला साइड बी है, ये सी के सामने वाला साइड सी है। अब बेटा देखो आपको जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट बता देता हूं। रिजल्ट हमारे पास आता है कि लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए कम्स आउट टू बी रूट ओवर 2b² प्लस 2c² माइनस a² बाय 2, ये आता है रिजल्ट, ये आता है, लेकिन मेरे को ये रिजल्ट डिराइव करना है, ठीक है ना बेटा, मेरे को ये रिजल्ट डिराइव करना है। तो इसका अपन प्रूफ देखते हैं, अपन इसका बेटा देखो प्रूफ देखते हैं। मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि यार आप ऐसा करो, आप बेटा ऐसा करो, आप ये एंगल देख रहे हो सी, आप ये एंगल सी देख रहे हो, देखो पिछले वाले में क्या था बेटा, पिछले वाले में ये दोनों एंगल ए बाय 2 और ए बाय 2 थे, तो मैंने एरिया इक्वेट कर दिया, तो उससे फायदा हो गया, इससे नहीं होगा फायदा, है ना, इसमें फायदा नहीं होगा बेटा। देखो पिछले वाले में ये भी a बाय 2 था, ये भी a बाय 2 था, तो मैंने दोनों का एरिया ऐड करके बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर कर दिया, तो उससे मेरे को फायदा हो गया ठीक ठाक, लेकिन इससे वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों एंगल अलग अलग है, इसमें ये वाले दोनों एंगल अलग अलग है, इसमें ये वाले दोनों साइड सेम है। तो मैं आपको बोलता हूं कि यार आप ये देखो कि ये एंगल सी है, है ना, और आपको दिखाई दे रहा है एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी इज कॉमन इन ट्राइंगल ए सी डी एंड
ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल एबीसी दोनों में एंगल सी कॉमन है, दोनों में एंगल सी कॉमन है, तो यार कॉस सी क्या होगा, कॉस सी, कॉस सी क्या होगा? अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल में बात करें, छोटे वाले ट्राइंगल में एसीडी में, तो कॉस सी क्या होता है, कॉस सी होगा बी स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर, माइनस एल ए स्क्वायर अपॉन टू बी ए बाई टू, यही होगा क्या? याद करो कॉस सी जनरली हम क्या बोलते थे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, है ना? कॉस सी हम क्या बोलते थे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉस सी अगर बेटा हम बोलते थे तो हम बोलते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी, कॉस ए हम बोलते थे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, ये अपने बेटा रिजल्ट होते थे। बेसिकली क्या होता था, जो एंगल होता था उसके अगल बगल वाले जो साइड होते थे उनके स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अगल बगल वाले साइड्स का लेंथ, ये हमारा रिजल्ट होता था। तो हम जनरली लिखते थे कॉस ए, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, कोसाइन लॉ जो होता है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कोसाइन लॉ बोलता था कि कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, है ना, कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, ये होता है रिजल्ट। तो मैंने कॉस सी लिखा पहले छोटे वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में मैंने बोला बी स्क्वायर प्लस ए बाय टू का स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर बाय टू इंटू बी इंटू ए बाय टू, बिल्कुल सही। और इसी को बेटा मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी में, देखो ध्यान से, ट्राइंगल एबीसी में ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें कॉस सी क्या होगा, इसमें कॉस सी होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी, ये आएगा आपके पास। इक्वेट कर दो दोनों को, देखो एल ए स्क्वायर वाला टर्म मिल रहा है ना, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे बेटा आप दोनों को इक्वेट करोगे, देखो ये टू से ये टू गया, ये ए बी से ये ए बी गया, अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस एल ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस एल ए स्क्वायर, और ये भी टू इधर आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ये पूरी चीज इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है। तो यहां से अगर बेटा इसको मैं ध्यान से देखूं तो दिस विल बी टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू माइनस टू एल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह आएगा अपने पास। यार टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, इसको अपन यहां लिख लेते हैं, टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर सबसे पहले, फिर ए स्क्वायर बाय टू और यहाँ ए स्क्वायर है तो माइनस आप उधर करोगे तो दैट विल बी माइनस ए स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, और उसके बाद प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ एल ए स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज किया बेटा, थोड़ा सा रीअरेंज किया यार, ये चीज करते ही मेरे पास एक बार, चलो एक बार अपन टू का मल्टीप्लीकेशन और कर देते हैं, तो टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एल ए स्क्वायर आ गया मेरे पास। देख लो आप, टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एल ए स्क्वायर, बस यहां से बेटा आप जैसे दोनों साइड रूट लोगे यार ये रिजल्ट आ जाएगा क्या, देखो टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर विल बी एल ए स्क्वायर, और एल ए विल बी रूट ओवर ये और रूट फोर विल बी टू, सेम रिजल्ट है, देख लो टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिजल्ट आ गया वही, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए क्या होता है बेटा हमारे पास, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए बच्चों मेरे पास आ जाता है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, बाय टू ये आता है बेटा अपने पास, ठीक है। अब बेटा जैसे ही आपके पास ये चीज आ गई तो यहां से इसको देखो थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं, यहां से बेटा मैं बहुत आसानी से लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी क्या बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी, बी विल बी टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू, ये आएगा मेरे पास लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी विल बी रूट ओवर टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू, एंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी विल बी रूट ओवर टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय, बस ये याद रखना बेटा कि ये जो टू है वो रूट के बाहर है ना, ये जो बेटा आपके पास टू दिया हुआ है रूट के बाहर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट पॉइंट आता है,
हम बेटा उस नोट पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट हमने अभी डिराइव किया है, इस रिजल्ट से एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आएगा आपके पास। देखिए इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि एल ए स्क्वायर है ना, इंपॉर्टेंट नोट है, एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर, सर यहां से आप बेटा देख सकते हो एल ए स्क्वायर विल बी टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, यही आएगा एल ए स्क्वायर। वैसे बेटा एल बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एल बी स्क्वायर विल बी टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर। सिमिलरली बेटा आपके पास एल सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय फोर, यही आएगा आपके पास। और जैसी बेटा यही चीज हमारे पास आई, यार ये 1 बाय 4 तो आप निकालो कॉमन, अंदर देखो क्या है, बी स्क्वायर कितनी बार ए स्क्वायर, पहले आप देखो ये 2 ए स्क्वायर ये 2 ए स्क्वायर तो 4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास 3 ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर देखो तो ये 2 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर और फिर 2 बी स्क्वायर तो आपके पास क्या आ गया 3 बी स्क्वायर आ गया, और प्लस सी स्क्वायर में देखो तो 2 सी स्क्वायर और 2 सी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगेन प्लस 3 सी स्क्वायर आ गया। यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 बाय 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा। प्रीवियस ईयर में जेई में ऐसे सवाल आए हैं, ओलंपियाड में ऐसे सवाल आते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, स्टेटमेंट क्या आता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 3 बाय 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। वापस बोल रहा हूं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 3 बाय 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपके लिए रिजल्ट भी बेटा डिराइव किया है कि एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 3 बाय 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे बेटा आज सवालों की प्रैक्टिस की, और साथ ही साथ बेटा ये मैंने नया आपको कंसेप्ट भी बताया जिसमें कि मीडियन का लेंथ क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ क्या होता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये बेटा हमने आज चीजें देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो, कोई भी एन साइडेड 10 साइड 20 साइड 25 साइड कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो, अगर वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो या अगर वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, ये सारी बेटा बातों पे चर्चा अगले लेक्चर में हम करेंगे। और साथ ही साथ बेटा हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस भी अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको आज के लेक्चर में फायदा पहुंचाया है, तो मुझे कमेंट में बेटा आप इमीडिएटली बताइए कि आज का लेक्चर आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल था, और आज के पूरे लेक्चर में वो कौन कौन से बेटा कंसेप्ट थे जो आपने नए सीखे जो आपको पहले नहीं आते थे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी बेटा आप ज्वाइन करें ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। थैंक यू।